सर कैसे हैं आप लोग? तो कल का वीडियो तो अपलोड हुआ नहीं, और अपलोड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ कि कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि मैंने शूटिंग नहीं किया कल। मैंने कोई शूट नहीं किया, वीडियो कुछ भी नहीं बनाया कल, इसलिए कल का वीडियो जो आज अपलोड नहीं हुआ है, आज का वीडियो ही आज अपलोड कर रहा हूँ मैं। क्योंकि आज के लिए तो आज को यही बताया, कंफ्यूजन आज यही शूट करूंगा और आज यही अपलोड करूंगा, क्योंकि कल वाला वीडियो है नहीं जो मैं आज अपलोड करूंगा, क्योंकि एक दिन पीछे आगे पीछे मैं वीडियो अपलोड कर रहा था। तो आज ये वाला एक वीडियो अपलोड होगा, कल इसका हाफ पार्ट अपलोड कर, मतलब आज दिन को भी बहुत सारा फंक्शन है, रात को भी है, तो दिन वाले फंक्शन में मतलब आज कर दूंगा, और जो रात वाले वो कल कर दूंगा, और परसों शादी वाला आएगा। शादी का भी मतलब वो आप लोग देख के खुद समझ जाओगे कि मैं कैसे अपलोड करूंगा। और बाकी क्या, बाकी देखो अभी नारायण पूजा हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे ले जाके। अभी पूजा स्टार्ट हो चुका है, बहुत लेट उठाऊँ शरीर में, चलिए चलते हैं। अभी खा पी के आया हमारा, जस्ट खा पी के अभी आया, अभी नारायण पूजा देखते हैं। चलो बोल दे तो पेंडल वाले भी आ गए हैं, अभी पेंडल मतलब पूरा रेडी हो रहा है, चेयर वेयर टेबल वेबल सब आ रहा है। फिलहाल अभी हम लोग इस रूम में आए हैं बिट्टू भैया के साथ। ये रूम में बाराती, मतलब दो तीन रूम है ऐसा, उसमें बाराती आके रहेंगे, देखते हैं। सब साफ सुथरा किया था कल, में आईना भी लगाया हुआ यहाँ पे। किचन भी है, किचन तो मतलब कोई काम का नहीं है, तो बाथरूम वाथरूम है, पीछे में जंगल भी है। तो मतलब एक जन से मैं आपको मिलाना ही भूल गया, ये हमारा शेखर भाई है, छोटे से उम्र में शादी करके जिंदगी बर्बाद कर लिया, पर हम लोग का भाई है, कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको, और भी दो तीन भैया आए हैं उनसे भी मिलाऊंगा, मतलब वो लोग थोड़ा बाहर गए हैं काम से, जब तक वो आते हैं मैं आपको मिलाता हूँ। अभी जा रहे हैं दूसरे वाले रूम में, सब रेलवे का क्वार्टर ही है, सब बिट्टू भैया का है, ये सब बिट्टू भैया का अपना फार्म है। ये वाला रूम भी देख के चले जाते हैं हम लोग, इसमें कोई आईना वाइना नहीं है, मतलब ये उतना फर्स्ट क्लास भी नहीं है। तो अभी हमें जाना था आम का लकड़ी लाने, तो भैया पहचान के तो इनके टोटो में बैठ के हम लोग जा रहे थे आम का लकड़ी लाने। तो मेरे सामने ही आम का पेड़ था, तो सूखी सूखी लकड़ियाँ देख के हम तोड़ने लगे वहाँ से, और भैया भी थोड़ा हेल्प कर रहे थे हमें आम की लकड़ियाँ ढूंढने में। तो अभी हम लोगों ने आम का लकड़ी ले ली है, तो भैया को मतलब अपना टुकटुकी में थोड़ा चार्ज करना था, तो हम लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है, चलते हैं, और थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, चलते हैं। तो ये सारे काम होने के बाद हम थोड़ा मिट्टी खोदने लगे, क्योंकि हमें मिट्टी डालना था जो भैया का फार्म है उसमें, क्योंकि जो भैया का फार्म वाला घर है उसके नीचे थोड़ा सा होल है, अगर हम लोग मिट्टी नहीं डालेंगे तो कल सारी मुर्गियाँ वहाँ से निकल के भाग जाएंगी जब बहुत भीड़ होगा। तो इनको देखो, ये अपने लड़ाई में व्यस्त है, इनके लिए हम इतना काम कर रहे हैं और ये अपने में ही मगन। तो क्योंकि मुझे आज का वीडियो आज ही अपलोड करना था, तो मैं सीधे आके वहाँ से एडिटिंग करने बैठ गया, और आज का वीडियो सिर्फ वॉइस ओवर है, क्योंकि मतलब बोलने का टाइम है मिला नहीं, और इस वॉइस ओवर में मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया ये भैया का जो माइक है, ये गेरनारो का मस्त माइक है, एकदम बहुत क्लियर आवाज़ है। तो देखो और आगे वीडियो।